दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच एक मैच के बारे में। श्रीलंका तो ऑस्ट्रेलिया को अच्छे से धोने के मूड में उतरी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी कहां कम थी। हालांकि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की एक छोटी सी गलती ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर करा सकती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में कोई गलती नहीं की। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया ने काफी खतरनाक बॉलिंग की। ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक बॉलिंग के चलते श्रीलंका ने 20 ओवर में 157 रन ही बना पाए, जिसमें उसने अपने 6 विकेट खोए। अब बैटिंग आती है ऑस्ट्रेलिया की और बॉलिंग आती है श्रीलंका। श्रीलंका भी बॉलिंग कमजोर नहीं थी। पर्थ का स्टेडियम जो कि छोटा ग्राउंड माना जाता है, उस ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखकर लग रहा था वो श्रीलंका को अच्छे से धोएगी, लेकिन श्रीलंका तो मैच को काफी सीरियस होकर उतरी थी। उसने काफी खतरनाक बॉलिंग की और डेविड वार्नर को मात्र 11 रन पर आउट कर दिया। मिचेल मार्श वो भी कुछ ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, मात्र 18 रन पर वो भी आउट हो गए। अब अगर बात करें मैक्सवेल की तो उनकी भी पारी ज्यादा खास नहीं रही, वो भी 23 रन बनाकर आउट हो गए। अब अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच की तो उनकी पारी भी कुछ खास नहीं थी, उन्होंने 42 गेंदों पर 31 रन बनाए। अब बात करते हैं नंबर 5 पर आए मार्कस स्टोइनिस के बारे में। इन्होंने तो श्रीलंका के बॉलरों को कुछ इस कदर धोया कि क्या बताएं तुमको, मजा ही आ गया। इन्होंने मात्र 17 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और इन्होंने अपनी पूरी पारी में 57 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के और 4 चौके शामिल थे। मार्कस स्टोइनिस की पारी को देखकर लग रहा था कि ये कलयुग का लंका दहन है। मार्कस स्टोइनिस के शानदार पारी ने उनकी टीम को जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच जीत पाना लगभग असंभव था, लेकिन मार्कस स्टोइनिस की पारी ने उस असंभव को संभव कर दिया। उन्होंने श्रीलंका के बॉलरों को इतना धोया, मात्र 16.3 ओवर में ही मैच जीत लिया। तो दोस्तों मार्कस स्टोइनिस के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।